तो आ तरफ बोटाद में गढ़ा की घेलो नदी में नवा नीर आया है। नदी में स्नान करने लोगों की भीड़ थी है। सोशियल डिस्टन्सिंग अभाव जोवा मळी रह्यो छे ने नदी पास गाइडलाइन भंग थयो छे। आवी भूल गंभीर बनी शके छे तमाम लोगों माटे के जेओ वगर कोई सुरक्षा है वगर कोई परमिशन साथ यहाँ गया है। कारण के आ दृश्य बोटाद गढ़ा की घेलो नदी में है कि ज्यां आगे जोखमी पानी स्तर पर जोवा मळी रह्या छे। नदी में नवा नीर आया कि आसपास के लोग स्नान करवा आवी गया। कोरोना काल है ते समय सोशियल डिस्टन्सिंग अभाव जोवा मळ्यो। कोरोना काल दरमियान लोगों ने एक बीजा थी दूर रहेवानुं कहेवामां आव्युं छे, मास्क पहेरवानुं कहेवामां आव्युं छे, परंतु ते कशुं ज जोवा न मळ्युं। कोरोना महामारी ने कारण राज्य की ग्रांटेड शालाओं की मुश्किल वधी है। कोरोना महामारी ने कारण ग्रांटेड शालाओं ने पूरता विद्यार्थियों मळ्या नहीं। तेवा समय में सरकार द्वारा अपूरता विद्यार्थियों धरावती शालाओं वर्गो बंद करवा माटे माध्यमिक शालाओं आचार्यों और संचालकों पास थी दरखास्त मंगावामां आवी छे। वर्गो बंद करवानी दरखास्त मंगावता संचालकों मुश्किल में मुकाया है। कारण के कोरोना ना कारणे चालू नहीं थे शालाओं में प्रवेश की संख्या पण घटी जशे, जे हयात वर्गो में विद्यार्थियों की संख्या में घटाड़ो देखाड़े छे। तेवामां जो अत्यारे वर्ग घटाड़वानी प्रक्रिया करवामां आवे तो राज्य की ग्रांटेड माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शालाओं में 600 वर्गो बंद थाय तेवी शक्यता छे। त्यारे शाला संचालक मंडळे हाल वर्गो बंद करवानी प्रक्रिया स्थगित करवा मांग करी छे। हजू जे लोको चाल्या गया छे मजूरी करवावाळा मानसो एमना बाळको हजू पाछा नथी आया। अने एटलू ज नहीं साहेब, अमारा शहेरोमांथी जे गामडामां जता रह्या छे ने એ બાળકો હજુ શહેરોમાં પાછા નથી, આ ગુજરાતમાં જ, એટલે એ સંજોગોમાં આગામી 2 વર્ષ, ચાલુ વર્ષ અને આગામી 1 વર્ષ વિદ્યાર્થી સંખ્યા, ક્લાસમાં રજિસ્ટર્ડ વિદ્યાર્થી સંખ્યા શહેર હોય તો 25 અને ગ્રામ્ય હોય તો 18 અને એ રીતે ગણતરી કરી અને છૂટછાટ આપવી જોઈએ, નહીં